इंडिया अल ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, एमएस स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना देश और समाज के विकास में उनके योगदान को अमर कर देता है। तीनों ही महान शख्सियतों को सादर नमन। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। भारत रत्न सम्मान को लेकर जहां कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, तो वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठा रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की भेदभाव वाली राजनीति बता रही है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले की बात कह रही है। मैं ये कहूंगी कि तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। ही का मिलना आई थिंक हम वेलकम करते हैं, पर ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक भारत रत्न जो हमारी मांग रही है उसको पूरा किया जाएगा। ये तो आप ले सकते हो, लेकिन तथ्यों की बात कांग्रेस को करनी चाहिए। जी का स्लोगन बड़ा साफ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो भी हमारी प्रतिभाएं नहीं है, जिनने इस देश के निर्माण में योगदान किया है, कांग्रेस ने भले उस आधार पर कभी भेदभाव किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में, जो काम उनने किया है, मुझे लगता है देश का हर वर्ग सराहेगा। चाहे वो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आदरणीय अडवाणी जी का नाम हो, चाहे वो आदरणीय चरण सिंह जी का नाम हो, चाहे आदरणीय नरसिम्हा राव जी का हो। और मुझे गर्व है कि कर्पूरी जी के अलावा बाकी जो नाम मैं ले रहा हूँ, मुझे कम से कम उनकी सानिध्य में राजनीति करने का मौका मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने भारत रत्न सम्मान को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी अब भारत रत्न पे भी राजनीति कर रही है। आप अगर बिहार से देखिए तो कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न दिया, लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे। आडवाणी जी के साथ किस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी करता है, लेकिन वोट की राजनीति के लिए आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया। आज भी जो भारत रत्न दिए गए हैं तीन, वो केवल वोट बैंक की राजनीति है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से है, जहां संदेश खाली में सैकड़ों महिलाओं ने सड़क पर उतर कर फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शाजा शेख और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया है। इस बीच महिलाओं ने हाथ में कटारी, लाठी, डंडे और झाड़ू लेकर संदेश खाली के अलग अलग इलाकों में जुलूस निकाला। बाद में शाहजहां के सहयोगी फरार शिव प्रसाद हाजरा के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने जोलिया खाली में हाजरा के एक पोल्ट्री फार्म को भी आग के हवाले कर दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख कब से फरार है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन क्यों किया। दरअसल शाहजहां शेख पर आरोप ये है कि उसके समर्थकों ने उसके इशारे पर ही ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमला किया था। हमले के बाद शाहजहां शेख स्पीच भी उनकी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी के दलाल मुझे छू नहीं सकते हैं। इस हमले में ईडी के तीन अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद ईडी ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में 5 जनवरी की घटना के आरोपी मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को अब तीसरा नोटिस जारी कर दिया। ईडी को आशंका है कि शाहजहां शेख बांग्लादेश भाग गया है। घटना के बाद शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। एक और बड़ी खबर, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद के बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कोलकाता में बीजेपी नेताओं के आने पर उनका घेराव करने की बात कह दी और ये कहा कि उनका घेराव करो ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो कितने पानी में है। इसके साथ ही जमीयत उलेमा हिंद के बंगाल अध्यक्ष ने ज्ञानवापी में हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुए पूजा पाठ को लेकर भी बयान दिया और ये कहा कि ज्ञानवापी में चल रही पूजा पाठ तुरंत बंद हो जानी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसका कड़ा विरोध करेंगे।
मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल अध्यक्ष हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पहले तो उन्होंने कहा कि कोलकाता में बीजेपी नेता अगर पहुंचेंगे तो उनका घेराव किया जाएगा, और ये आग्रह सभी से किया कि उनका घेराव करो ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो कितने पानी में है। कैन बाफी मस्जिद को कानूनी सहारा छोड़कर हिटलरी और तानाशाही के साथ कोर्ट को प्रोवोकेट किया, कोर्ट के सामने उल्टा सीधा रिपोर्ट दिया, तो वहां से पूजा पाठ के तरीका को बंद करना पड़ेगा, वरना यहां मिनिस्टर आएंगे, आम ऐलान है, जहां पता चले बीजेपी हुकूमत के लोग आ रहे हैं मिनिस्टर घेराव कर, ताकि पता चले वो कितने पानी में, हम कितने पानी। वहीं सिद्दीकुल्ला चौधरी के बयान के बाद बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए उन्हें कुएं का मेंढक बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी जी, कुएं का मेंढक, एक तो आपका कोई योग्यता नहीं है कि आप योगी जी के बारे में कोई टिप्पणी करें, दूसरी बात है थोड़ा पढ़िए लिखिए, जो कोर्ट का राय है भारत में सबको उसको मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा तो आपके बहुत सारे साथी जो देश के तरह तरह का जेल में रह रहे हैं ना, आपको भी वहाँ रहना पड़ेगा। तो वैसे ये क्या बोलता है, इसको इतना गंभीर से लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों बंगाल के बाहर सिद्दीकुल्ला चौधरी को कोई जानते भी नहीं है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड के हल्द्वानी से मिल रही है, जहां पर हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि दोषियों पर रत्ती भर का रहम खाने को वो तैयार नहीं है। उन्होंने हल्द्वानी पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों, नगर निगम के अधिकारियों और पत्रकारों का हाल जाना है। सीएम धामी ने साफ कर दिया कि नुकसान की भरपाई दंगा फसाद करने वालों की जेब से ही की जाएगी। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर उन्हें पूरे हालात की जानकारी भी दी। पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा कि हल्द्वानी की हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि वो सोची समझी साजिश थी। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया, लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनबुलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई, और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है, उनके खिलाफ़ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया।